Hey everyone, this side Rohit Rathore and you are watching अपनी कक्षा for commerce. So finally आज हम staffing chapter देखने वाले हैं, full length video होने वाला है आपको. ये मेरा पहला full length lecture है और मैं इस chapter को सबसे best way में और easiest way में सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अब business studies में game change हो गया और अब आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, अब चीजें इतनी आसान से समझ पाओगे वो आपकी end of college life तक जा रही है. तो फाइनली चालू करते हैं. तो पहले हम टर्म स्टाफिंग मीन्स होता क्या है. तो स्टाफिंग मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में चार वर्कर्स या एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो अगर उसमें से एक वेकेंट सीट है यानी एक पोस्ट खाली है, तो उसे फिल करना ही स्टाफिंग कहलाता है. जो वीकेंड सीट है यानी जो वीकेंट पोस्ट है, हम उसे फिल करेंगे और उसके क्या तरीके होते हैं, उसे किस वे में हम फिल कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे होता है, ये सारी चीजें हम स्टाफिंग में सीखते हैं. तो इस वीकेंड पोस्ट को हम किस बेस्ट वे में फिल कर सकते हैं, तो इसका एक बेस्ट वे होता है फाइंडिंग अ राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस. हम एक सही बंदे को जिसको उस पोस्ट का बेस्ट नॉलेज है, एक राइट टाइम पे जब हमको उस पोस्ट की फिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक राइट प्लेस पे यानी किस पोस्ट पे हमें किस बंदे को एस्टेब्लिश करना है, ये सारी चीजों को एक साथ लाकर ही हम स्टाफिंग कर सकते हैं. सो फाइनली स्टाफिंग का एक मेन मोटिव यही होता है कि राइट प्लेस के लिए एक राइट पर्सन को एक राइट टाइम पे हम चूज करें और उस वेकेंट पोस्ट को हम फिल करें, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम अच्छे से हो रहे हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम पे अपने गोल अचीव कर रहा हो. तो आप लोगों की बुक्स में इसकी क्या डेफिनेशन दी है, एक बार उसे भी देख लेते हैं. ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फेक्टरी वर्क फोर्स, यानी एक ऐसी वर्क फोर्स जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स ला रही हो, आपके रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रही हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स लाके दे रही हो, ऐसी वर्कफोर्स बनाना ही स्टाफिंग होता है. और ये एक आपकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों की बुक्स में, आप कोई सी बुक्स पढ़ रहे हो, आप जो भी रेफर कर रहे हो. बाकी मैं संदीप गर्ग ज्यादा रेफर करूंगा आप लोगों को. और फाइनल बात आती कि स्टाफ की जरूरत किसे होती है, तो स्टाफ की जरूरत दोनों एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन दोनों को होती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना है और जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी मार्केट में आना है, उसे भी इम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर पाए. सो फाइनली फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, इनको ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ चीजें हैं इसमें से जो हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, बट फीचर्स होते हैं एक इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना स्टाफ के यानी बिना मैन पावर के नहीं चल सकता, वो सिर्फ मशीन से नहीं चल सकता, वहाँ मैन पावर की जरूरत होती है ताकि वो बिजनेस ऑपरेट कर पाए, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी संभाल पाए. वहीं सेकंड आता है परवेसिव, चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल पर स्टाफ की जरूरत होती है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीनों लेवल पर स्टाफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैन पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. थर्ड होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टाफिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. कई इम्प्लॉयज आते हैं, कई रिटायर होते हैं, फिर नए रिक्रूट होते हैं, तो ये ऐसी साइकिल चलती रहती है, एक कंटिन्यूस नेवर एंडिंग प्रोसेस है. स्टाफिंग पीपल्स में डील करती है, मशीन्स का कोई काम नहीं है, मैन पावर को रिक्रूट करना है या उन्हें फायर करना है, हायर करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, तो ये सारी चीजें पीपल्स में डील होती है. स्टाफिंग का जो स्कोप है वो काफी वाइड है, क्योंकि स्टाफिंग में हम आगे प्लानिंग देखेंगे, कैसे मैन पावर की प्लानिंग होती है, कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं, कैसे सिलेक्शन होते हैं, कैसे प्लेसमेंट्स, कैसे ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होती है. वही इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं. हम मैन पावर को रिक्रूट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो सारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, हम एम्प्लॉयज की सारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, उसमें सोसाइटी का भी वेलफेयर होना चाहिए, उनकी भी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें, ऐसे कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैन पावर को रिक्रूट करने के. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा स्टाफ नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी. और काफी सारे रीजंस होते हैं जो हम एक एक करके देखेंगे कि स्टाफिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो पॉइंट नंबर वन, फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल. अगर हम हमारी जॉब एक बेस्ट कैंडिडेट से फिल करेंगे, एक अच्छा कैंडिडेट जो फुलफिल हो, अच्छा एजुकेटेड हो और उसे सारे स्किल्स आती हो उस जॉब से रिलेटेड, तो वो अच्छे से उस काम को कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स फुलफिल हो पा रहे होंगे और ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी कर पा रहा होगा. पॉइंट नंबर टू, बेटर परफॉर्मेंस. अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारा जो मेन पावर है वो अच्छे से परफॉर्म करेगी, वो अपना बेस्ट देगी, वो अपने गोल्स ओरिएंटेड होगी, वो अपने टारगेट पे 100% फोकस करेगी, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. क्योंकि अगर उसके अंदर काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छे से काम करेगा तभी
ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। पॉइंट नंबर 3, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए भी स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप गलत ह्यूमन रिसोर्स ले लोगे जो लेजी है, जो काम में अच्छे नहीं है, जो काम को अच्छे सही तरीके से नहीं करते, जो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करते, अगर ऐसा ह्यूमन रिसोर्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो भी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसा हो, आपके पास ना ओवर स्टाफिंग हो, यानी आपके पास वर्कलोड कम है पर वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, जो आधे जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज है, वो बिना कुछ काम करे बस दिन भर बैठे हैं, ऑफिस में आते हैं, सैलरी लेते हैं, चले जाते हैं, बस उनका कोई काम नहीं होता, इससे ओवर स्टाफिंग होती है और आप अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, इसलिए भी स्टाफिंग जरूरी है। अंडर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास वर्कलोड बहुत सारा है, आपके पास वर्क फोर्स बहुत कम है, जो एम्प्लॉयज है वो प्रेशर में काम कर रहे हैं, उनसे काम पे डील्स नहीं हो पा रही है, टाइम पे डील्स नहीं हो पा रही है, टाइम पे उन लोगों से टारगेट फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो अंडर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, ना कि अंडर स्टाफिंग और ना ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग, इन चीजों को बैलेंस करने के लिए भी स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट होता है क्यों इम्पोर्टेंट है एक स्टाफिंग, क्योंकि इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। जब तक आप इम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव नहीं करोगे, जो भी स्टाफ आप हायर कर रहे हो उसके एक अच्छा मॉनिटरी पॉलिसी, उनके लिए एक अच्छा रेम्यूनेशन नहीं होगा, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक उनका मोरल हाई नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम सैलरी देनी होगी, उन्हें टाइम पे सैलरी देनी होगी, उन्हें मोटिवेट करना करते रहना चाहिए, उन्हें अगर वो अपने सारे गोल्स अचीव करें तो उन्हें अप्रिशिएट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टाफिंग सिर्फ आपको ह्यूमन रिसोर्स और उनसे काम ही करवाना नहीं होता, उन्हें टाइम पे अप्रिशिएट, उन्हें टाइम पे रिवॉर्ड, उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छा रिम्यूनरेशन देना भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एनवायरमेंट बना रहे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में चलता रहे, ग्रो करता रहे। फाइनली आप लोगों की बुक में एक टर्म दे रखी है HRM, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके विप्रो हो गया, TCS हो गया, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें एक डिपार्टमेंट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, यानी आपके डिपार्टमेंट जो बेसिकली पूरी तरह ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उन्हें रिक्रूट करने, उन्हें फायर करने, उसके पूरे ग्रीवेंस है, इन सारी चीजों पर ध्यान देता है। बाकी जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता, जो छोटे लेवल पर वर्क करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर इन प्रोसेस पर ध्यान देता है कि हमें कितने हायर करना है, हमें कहाँ कहाँ हमारे जो जॉब्स है वो वैकेंट है उन्हें फुलफिल करना है। बाकी जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, जो वहाँ पे क्या कितनी स्टाफिंग लगेगी, कितना वर्कलोड है, अगर एम्प्लॉयज के बीच में कुछ ग्रेवेंस है उन्हें सॉर्ट आउट करना, ये सारी चीजों पर ध्यान देता है। अब फाइनली हमें ये तो पता चल गया कि हमें रिक्रूट करने, अगर हमारे पास काम है तो हमें रिक्रूट करने ही पड़ेंगे बाहर से एम्प्लॉयज, तो अब प्रोसेस देखेंगे कि भैया हम किस प्रोसेस के थ्रू या किस टाइप से हम सारे एम्प्लॉयज को हम हायर कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो हम एक एक करके सारी प्रोसेस देखेंगे क्या होती है एक एम्प्लॉयर को हायर करने की। सो यहाँ पे फाइनली जो पॉइंट नंबर 1 होता है वो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट, हमें किस टाइप की स्किल्स चाहिए, हमें कौन सी स्किल्स वाले पर्सन चाहिए, हमें नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए, ये सारी चीजें हमें देखने, हमें कौन से काम के लिए किस स्किल्स के बंदे चाहिए, हमें कौन से कितने बंदे चाहिए, हमें किस काम को फुलफिल अच्छे से कर सके ऐसे बंदे चाहिए। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ऐसी पॉलिसीज का भी ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पर वुमेन्स का रेशियो क्या रखना है, हमें वुमेन्स को भी हायर करना है, हमें कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोगों को भी हायर करना है, कुछ परसेंट रेशियो उनके लिए भी रिजर्व रखना है। तो ये सारी चीजें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक वर्कलोड एनालाइज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्कलोड कितना है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑर्गेनाइजेशन चॉकलेट मैन्युफैक्चर करता है, मान लीजिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे पैकिंग हो रही है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे पास इतना वर्कलोड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल्स पर वर्कलोड की जरूरत है, चॉकलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, चॉकलेट्स की पैकिंग और चॉकलेट्स की ट्रांसपोर्टेशन में। अब हमने जब वर्कलोड एनालाइज कर लिया कि हमें यहाँ पर 3 बंदों की जरूरत होती है, यहाँ पे भी 3 बंदों की और यहाँ पे भी 3 बंदों की जरूरत होती है, तो हमने वर्कलोड एनालाइज कर लिया कि हमें कहाँ पर कितने लोगों की जरूरत है, किस काम को करने के लिए कितने लोग लगेंगे, ये सारी चीजें वर्कलोड के अंदर आती है। उसके बाद हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमारे पास वर्कफोर्स कितना है, क्या हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 बंदे ऑलरेडी है या हमें हायर करने होंगे, ये वर्कफोर्स होता है, क्या हमारे पास पैकिंग में
तीन बंदे ऑलरेडी है या फिर हमें हायर करने पड़ेंगे, या हमारे पास ट्रांसपोर्ट में तीन बंदे ऑलरेडी है या फिर हमें हायर करने पड़ेंगे। तो ये दो चीजें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखनी होती है, आपका वर्कलोड और आपका वर्कफोर्स क्या दोनों बराबर है, क्या ओवर स्टाफिंग तो नहीं हो रही है, या हमें यहाँ पर सिर्फ तीन बंदों की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास चार है तो हम एक को फायर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सिर्फ दो है तो हम एक को हायर करेंगे। तो ये सारी चीजें वर्कलोड और वर्कफोर्स के एनालाइज से होती है। वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालाइज करने के बाद हम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की ओर जाते हैं, यानी हमारे पास किस जॉब डिस्क्रिप्शन में, यानी किस जॉब में हमारे पास वैकेंट सीट्स है, यानी किस जॉब्स को हमें फुलफिल करनी है, उनके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये सारे नोटिस हम आउट करेंगे। और यहाँ पे जो वैलिड कैंडिडेट है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, यानी बेसिक एजुकेशन चाहे स्किल्स हो, बेसिक स्किल्स हो, इन सारी चीजों को फुलफिल करने वाले हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इनकरेज करेंगे हमारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को हम इनकरेज करेंगे कि वो हमारे वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट ये रहता है कि हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ पूल हो जिसमें से हम अच्छे बेस्ट कैंडिडेट छाट करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ला सके, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हमारे गोल्स अचीव हो रहे हो। तो रिक्रूटमेंट में मेन ध्यान दी जाती है कि हम बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करें आउट ऑफ लार्ज पूल, और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे जॉब के लिए अप्लाई करें। इसमें वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से भी रिक्रूट कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे डिटेल में कि आखिर होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है। जब मेनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोगों ने जब अप्लाई कर दिया है वैकेंसी के लिए या किसी भी टाइप की वैकेंसी के लिए, पहले हम उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया रखेंगे। जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था, तो इसमें सिलेक्शन में बेसिकली होता क्या, हम यहाँ पे दो चीजें देखते हैं। जिस भी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अप्लाई किया जॉब के लिए, क्या वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी एजुकेशन की थी या हमारी स्किल्स की थी उन्हें फुलफिल करता है। हम यहाँ पे उन लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स चाहे जॉब एक्सपीरियंस की हो, स्किल्स की हो या एजुकेशन की, उन्हें फुलफिल करता हो, हम उन्हें अलग कर लेंगे। क्या वो पर्टिकुलर कैंडिडेट उस जॉब को लेकर सीरियस है, क्या वो उस जॉब में बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा, इन दो चीजों को हम ध्यान में रखते हुए उनका सिलेक्शन करते हैं। पहला स्किल्स एजुकेशन और दूसरा उनकी सीरियसनेस। हम यहाँ दो चीजों को एनालाइज करते हैं, एक उनका बेसिक हमारे जो रिक्वायरमेंट्स, और क्या वो सीरियस हैं इस जॉब को लेके, क्या वो बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इस बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। तो उनमें से आधे लोग यहाँ पे छट जाते हैं, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम आधे एप्लीकेशन हमारे पास होंगे, आधे हम रिजेक्ट कर देते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो होती है वो होती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट यानी हम जिस पोस्ट के लिए हमने वैकेंसीज ली थी उस पोस्ट पे हम उस कैंडिडेट का प्लेस करेंगे, यानी उस कैंडिडेट को उस जॉब रोल में प्लेस कर देंगे। उसके बाद उस कैंडिडेट के प्लेसमेंट के बाद उसे ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों से फेमिलियर होने के लिए हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ताकि जो भी नया कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है वो जो पुराना स्टाफ है उनसे फेमिलियर हो जाए, जो भी नया कैंडिडेट है वो हमारे जो पुराने स्टाफ है उनसे फेमिलियर हो जाए, उनसे इंट्रोड्यूस हो जाए, ताकि उससे वर्क एनवायरमेंट में एक हेल्दी एनवायरमेंट फील हो, जो नया एम्प्लॉय है वो अपना बेस्ट पोटेंशियल दे पाए अपने वर्क में। नए कैंडिडेट का ओरिएंटेशन होने के बाद हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसे जिस जॉब रोल के लिए हमने सेलेक्ट किया उस जॉब रोल के रिलेटेड हम उसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती कि वो अपना जॉब रोल अच्छे से कर पाए, उसे ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है ताकि वो अपने करियर में ग्रोथ कर पाए, अपने करियर में डेवलप कर पाए। उसे एक डेवलपमेंट टाइम पे अगर टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती है तो उन टेक्नोलॉजीज से उसे फेमिलियर करवाना, उसका डेवलपमेंट होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो कर पाएगा जब उसके एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे, साथ साथ एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उसके एम्प्लॉयज ग्रो करें और वो अपने बेस्ट पोटेंशियल पे वर्क करें और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करें। सो फाइनली कुछ एडिशनल स्टेप्स होती है स्टाफिंग की प्रोसेस में। जिन ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके पास अपना खुद का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन इन तीन एडिशनल स्टेप्स को ही फॉलो करता है। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक बार जब एम्प्लॉय किसी वैकेंसी पे पर्टिकुलर कैंडिडेट को प्लेस कर दिया तो किस उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो जॉब रोल को निभाते हुए उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या वो अपने जॉब रोल में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कुछ मैनेजर्स करते हैं जो अपलाइन मैनेजर्स होते हैं, जो पर्टिकुलर ब्रांच के मैनेजर्स होते हैं, वही इन तीन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, वही परफॉर्मेंस अप्रेजल को एनालाइज करते हैं, क्या पर्टिकुलर कैंडिडेट बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, क्या उसे कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें इंश्योर की जाती है। सेकंड होता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है। अगर कैंडिडेट को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रखना है अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए, तो उनकी प्रमोशन और करियर की भी प्लानिंग करनी होती है,
एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो इंकरेज करते हैं उस एम्प्लॉय को कि वो अपने करियर में और ग्रोथ करे, अपने पोटेंशियल को हाई लेवल पे ले जाए, वो जितना ज्यादा पोटेंशियल, वो अपने हाई पोटेंशियल पे काम करें। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनके सारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस वर्क के दौरान, उन जॉब को निभाते हुए उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे पूछकर उनका सॉल्यूशन उन्हें बताते हैं, उनके साथ जो भी उन बेस्ट सॉल्यूशन हो पाता है, उनका बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो पाती है उन्हें, वो बेस्ट पॉसिबल हेल्प उन्हें प्रोवाइड करते हैं। लास्ट होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन किसी भी जॉब को करने का एक कैंडिडेट का मेन मोटिव यही होता है कि उसे एक अच्छी अर्निंग हो, उसे एक अच्छा कंपनसेशन मिले। तो कंपनसेशन बेसिकली किसी भी टाइप से हो सकता है, ये मॉनेटरी कंपनसेशन भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मॉनेटरी में डायरेक्ट जो इनकम के बेसिस पे होता है, अच्छा पे करें ताकि इंप्लॉय लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रिटेन रहे, या फिर अगर नॉन मॉनेटरी में देखें तो हाउस अलाउंसेस हो गए, कार अलाउंसेस हो गए, उसके कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गए, उसके प्रमोशंस हो गए, ऐसी कई सारी चीजें एक इंप्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करने में हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारी चीजें जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना HRM डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो सारे एडिशनल स्टेप्स ये फॉलो करते हैं। सो फाइनली कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो स्टाफिंग प्रोसेस करते टाइम हमें हमारे काम आती है। तो पहला जो है वो रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट बेसिकली जब हम कोई वैकेंसी का ऑफर निकालते हैं तो इसका मेन काम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उस फॉर्म को फिल करे, उस जॉब के लिए अप्लाई करे, ताकि हम उसमें से सबसे बेस्ट और सुइटेबल कैंडिडेट चूज कर पाए। जो रिक्रूटमेंट होती है ये बेसिकली एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इंकरेज करते हैं उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं सेकंड आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली एक नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें हम उन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनने अप्लाई किया था उसमें से कुछ बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स हम चूज करते हैं, उन्हें हमारी जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं। इसलिए ये प्रोसेस भी जो है नेगेटिव प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद जो फाइनल थर्ड होती है वो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में बेसिकली हमने जिन कैंडिडेट्स को जिन जॉब रोल के लिए सेलेक्ट किया उन्हें ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स और उनके नॉलेज को अपग्रेड करना। इन तीनों चीजों को हम डिटेल्स में आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, जब बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तीनों चीजों को हम आगे और ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।